राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट टू, और मिट्टी मैंने पार्ट वन में दिखा दी थी आपको कि कैसे कैसे मैंने मिट्टी बनाई और उसमें क्या क्या डाला। तो ये है गोबर गैस मतलब गोबर गैस का चूल्हा था ये, जो मैं इसको इस मिट्टी के चूल्हे पर लगा रही हूँ। इससे बर्तन अच्छी तरह से ठहर जाता है इसके ऊपर। तो देखिए, मिट्टी की इस चूल्हे के बहुत बुरे हाल थे और अब मैं लगाऊंगी इसमें मिट्टी। तो वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अब मैं इसमें मिट्टी लगा लूँगी और नीचे से लगाए हैं सरिये के टुकड़े ताकि इन पर अच्छी तरह से बर्तन ठहर सके, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन भी रखने पड़ते हैं चूल्हे के ऊपर। जैसे पानी गर्म करने का वो हो गया, जिसको हम अपनी भाषा में नाउन बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे चूल्हे में मिट्टी लगा लूँगी और बाद में लगाऊँगी फर्श में। तो ये देखिए, ये लगा दिया मैंने गैस का और अब मैं लगाऊंगी पूरे चूल्हे में मिट्टी। और इसको मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया था, तो बच्चे भी मेरे साथ थे, मीनाक्षी और भारती। और खाना वगैरह खा करके पूरा काम ख़त्म करके हम मतलब 8-9 बजे से लग गई थी मैं इस काम को करने, और मुझे 12 बजे तक ये काम मेरा ख़त्म हुआ रात के। तो बच्चे मेरे साथ थे और इन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और ऐसे भी होता है कि मतलब अकेले भी डर लगता है रात को, और सभी सो गए थे। तो ये देखिए, चूल्हे में मैंने मिट्टी लगा दी है और अब लगाऊंगी मैं फर्श में। तो फर्श के भी बहुत बुरे हाल हो गए थे क्योंकि दूसरे तीसरे महीने हमें फर्श दोबारा से बनाना पड़ता है। और ये मैंने पूरा फर्श उखाड़ दिया था, और जो कि मैंने आपको इससे पीछे वाली वीडियो में दिखाया है। तो अब मैं लगा लूँगी इसमें मिट्टी और इसका मतलब लेबल बराबर जैसा आना चाहिए। तो हाथों से ही कर रही थी मैं, और तो इसी तरह से पूरे फर्श में मिट्टी बिछाते हैं। और मुझे भी ये काम करने नहीं आते थे मेरे ससुर मतलब मायके में भी, और मामा जी के घर में भी सारे मतलब पक्के किचन थे और पक्के ही घर थे। पर बोलते हैं कि मतलब ससुराल में जो भी काम करना नहीं आता वो भी करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर के मैंने ऐसे ही मतलब अपने आप ही ये किया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते होंगे, और ऐसे ही पूरा ये सीख लिया। तो अब मैं जैसे यहाँ पर हमारे काउसेट भी कच्ची है और किचन भी कच्चा है और पहले घर भी कच्चा हुआ करता था, तो सारे काम सीख लिए। और बोलते हैं कि मतलब जैसे भी टाइम पड़ता है आदमी उसी तरह का बन जाता है। तो अभी मैं सारा काम कर लेती हूँ, जैसे लीपने का या मिट्टी लगाने का। और ये मैंने यहाँ पर लगा दी और इसको दराटी से बिल्कुल प्लेन करते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। जैसे अभी मुझे 12 बज गए थे सोने के लिए, तो सुबह ऐसे मतलब 4-4:30 बजे तक उठना पड़ता है, फिर पूरा काम होता है घर का। तो यहाँ पर मीनाक्षी और भारती भी सीख रहे थे कि हम भी मम्मी सीखते हैं मिट्टी लगाना, तो ऐसे ही कर रहे थे ये। पर चलो, बच्चे मतलब शुरू से सीखे तो बाद में भी दिक्कत नहीं आती। और फिर इन्होंने ऐसे वो कर दिया था और बाद में मैंने इसको अपने आप अच्छी तरह से किया।
देखिए अगर हम इसको दराटी से ऐसे करें तो बहुत अच्छा क्या प्लेन प्लेन जैसा हो जाता है, जैसे कि नाम हमारा पक्का फर्श होता है सीमेंट का। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चे फर्श में, जैसे बच्चे गिरा देते हैं कहीं, पानी गिरा देते हैं तो फिर इसकी लिपाई ही करनी पड़ती है। जैसे पक्के फर्श में अगर हम गिरा दें कुछ तो हर रोज पोछा भी लगा सकते हैं। कच्चे फर्श में हमें जैसे बुधवार हो गया या सोमवार हो गया और शुक्रवार, तो 3 दिन मतलब 3 बार में हम फर्श की लिपाई करते हैं, बुध शनिवार और सोमवार और रविवार को भी कर लेते हैं। तो ये मैंने पूरा फर्श की लिपाई मतलब लेई कर दी, हम इसको अपनी भाषा में लेई बोलते हैं। और देखिए बाहर का नज़ारा, तो हम लग गए थे यहाँ पर लिपाई करने 8-9 बजे से, और हमारे को बज चुके हैं 11:30, तो 11 बज गए। और जैसे दिन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, खेत के, पशुओं के, तो 2-3 दिनों से लगी थी मैं इस काम को करने। एक दिन मैंने ऐसे पानी फेंका और फिर मैं नहीं कर पाई इसका मतलब फर्श का काम। तो दूसरे दिन फिर मिट्टी उखाड़ी और आज तीसरा दिन है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा काम रात को निपटाती रहती हूँ अंदर का बच्चों के साथ। और ये मैंने कर दिया, अब मैं मिट्टी मतलब कलर करूँगी दीवारों में, और इसको इसकी लिपाई करूँगी गोबर और मिट्टी से, मतलब ऐसे गाढ़ा जैसा गोबर और मिट्टी घोलना और इससे लिपाई करूँगी, तब अच्छा रहेगा ये। मतलब 3-4 बार लिपाई करने के बाद ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, काम हमारा ख़त्म हो गया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद, और अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर है इसके ऊपर चले के ऊपर ये मतलब फालतू सामान रखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ऐसे भी बर्तन ऐसे ही रखे हैं हमने, तो इनको भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसे ही रखे हैं भी मतलब फर्श में एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए था। तो भारतीय बाहर का व्यू दिखाते हैं अभी, भारती और मीनाक्षी थे अभी मेरे साथ यहाँ पर, तो भारती दिखा दी थी आपको रास्ता। तो रात के 12 बज गए थे मुझे इस फर्श को बनाते बनाते, और अभी है सुबह का टाइम। तो देखिए सुबह को थोड़ी थोड़ी मिट्टी सूख चुकी थी और फर्श अभी गीला था, तो जैसे हम मिट्टी लगाते हैं तो ये मतलब ख़राब हो जाती है। जैसे फर्श प्लेन होता है तो मिट्टी आगे पीछे हो जाती है, तो रात को ठीक रहता है पर दिन में ऐसे भी टाइम नहीं लगता। तो अब मैं इसको गोबर और मिट्टी से इसकी लिपाई करूँगी, तब आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो माफ़ कीजिएगा।